हेलो एवरीवन, मैं हूं अकेलोनो सोशल से और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल अनबॉक्सिंग एंड गिव अवे ऑफ 5 बेसिक ट्राइपॉड्स। और जो मेरे पास में ट्राइपॉड है वो है फोटो पैक का लाइट वेट फोटो X5। तो ये है, ये बहुत ही बेसिक एल्यूमिनियम लाइट वेट ट्राइपॉड है। तो उसकी सबसे पहले एक अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में आई हैव some units which I am actually going to give away. So ek, and then I have another one, I have another one, 3, 4 and 5 units. Isme se main ek bhi tripod apne liye nahi rakhne wala hu. All these 5 are for you guys. डिटेल आपको थोड़ी सी देर में मिल जाएगी, क्योंकि जल्दी से हमें क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसके बॉक्स में क्या क्या आता है, किस तरीके से ये ट्राइपॉड दिखता है, ताकि यू वुड ऑल्सो नो जो गिव अवे जिस चीज का हो रहा है वो एक्चुअली में दिखता कैसा है। दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। ये है लाइट वेट फोटो X5 बाय पावर पैक। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इधर नजर आ रही है इस साइड में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसका नेट वेट कितना है, फोल्डेबल हाइट कितनी है, ओपन करने के बाद में कितना होगा, एंड ऑल दोज डिटेल्स। अगर इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी सम फीचर्स एंड एवरीथिंग जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, तो मुझे उसको डेफिनेटली आपको पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। देन अगेन दिस साइड यू हैव सम मोर डिटेल्स कि मतलब कौन मार्केटेड बाय कौन सा है, कौन सी कंपनी है, एंड देन दिस साइज यू अगेन हैव द सेम ब्रांडिंग विच इज़ एक्चुअली मेंशन हियर। और अगर आप बात करें बॉक्स के इस साइड में, तो देर इज नथिंग स्पेशल। और जैसे आप ओपन करते हैं आपको दिखता है एक बैग, कैरी बैग, जो काफ़ी यूजफुल होता है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए इधर रख देता हूँ। तो दिस इज़ हाउ द कैरी बैग लुक्स लाइक। तो पतला है पर गुड इनफ फॉर यू टू प्रोटेक्ट योर ट्राईपॉड फ्रॉम स्क्रैचेस या नॉर्मल वेयर एंड टेयर के लिए। वंस यू हैव ओपनड इट यू कैन जस्ट टेक इट आउट। मिनिमल सी पैकेजिंग है, क्योंकि ऑफकोर्स एक बेसिक ट्राईपॉड है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं, मतलब फॉर दोज ऑफ यू एक्चुअली डू नॉट विन द गिव अवे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको इसका जो लिंक है प्रोडक्ट का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे खरीद सकते हैं। और बाकी डिटेल्स डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू एक्चुअली हैव अ ब्रांडिंग हियर एक लेग पे, बाकी लेग पे कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज एल्यूमिनियम, काफ़ी लाइट है और एक काफ़ी स्मूथ है यार। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा लूज सा है ये, पर नहीं, दिस इज एक्चुअली गुड, इज लाइक वेरी स्मूथ। अगर इसको आप फटाफट से फोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, मतलब यार अगर आप ट्रैवल करते हैं या नॉर्मल बेसिक चीज़ों के लिए, बेसिक कैमरा के लिए यूज़ करते हैं या फ़ोन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, दिस विल बी अमेजिंग। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस ट्राईपॉड को यूज़ करें अपने हैवी एक्सपेंसिव कैमराज में, मतलब एक्सपेंसिव कैमराज में यूज़ कर सकते हैं अगर वो लाइट है तो, पर अगर वो हैवी है डू नॉट यूज़ इट। क्योंकि मैंने अपने शायद करियर की स्टार्टिंग में गलती करी थी, मैं किसी तरीके का एक ट्राईपॉड यूज़ करता था, तो प्रॉब्लम क्या हुई, कहीं ना ये प्लेट, पहली चीज़ ये हुई कि पता नहीं क्या उसमें कहीं स्क्रू था या कुछ था तो उसमें वो फंस गई। दूसरा, वेट कैरी नहीं कर पाती थी, तो वो प्लेट अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगी अगर आप उसको छोड़ देंगे उसको। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप कॉम्पैक्ट कैमराज यूज़ करते हैं या आपका कोई भी हल्का मिररलेस कैमरा विद स्मॉल लाइट प्राइम लेंस अगर आप वो यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं इसके साथ में। फ़ोन यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, पर एक्सपेंसिव भारी चीज़ें मत करिए। एक्सपेंसिव पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, भारी चीज़ें मत करिए, क्योंकि दिस इज नॉट मेड फॉर दैट। पहला लेग आप ओपन करेंगे, इतना ओके, इतना मैक्स है, इसको अनलॉक कर देता हूँ, सॉरी लॉक कर देता हूँ। अनलॉक सेकेंड वन, दिस वन लॉक कर दीजिए। लॉक काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब अगर मैं अब इसको प्रेस करूँगा ना अंदर तो ये जाएगा नहीं। देखिए दिस इज एक्चुअली गुड, पर अगेन जो मैंने आपको इसके जो शूज थे वो मैंने आपको बता दिए। तो दिस इज द लेंथ जो आपको मिल जाएगी, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि शायद 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके बाद में ये तो एक्सटेंशन हो ही गया, उसके बाद में आपके पास में एक और ऑप्शन है जो कि है इस चीज़ को भी एक्सटेंड करने के लिए, जो ऊपर वाला आपका पार्ट है। ओके, तो इसको रोटेट करने के लिए आपको सिर्फ इस चीज़ को लूज़ करना होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा लूज़ करिए। लूज़ करने के बाद में यू कैन एक्चुअली रोटेट दिस थिंग और ये ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना जाता है वो आप चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 1 फीट बोलूँगा मैं। तो ये आपकी एक्स्ट्रा लेंथ हो गई उसके लिए। और जैसे इसको आप फुल एक्सटेंड करते हैं, मेक श्योर आप इसको वापस से टाइट कर दीजिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इसकी जो प्लेट है ऊपर की वो कैसी होगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, यू कैन सी हियर, दिस इज हाउ इट इज। तो आप इसको लूज़ करिए,
लूज करने के बाद में यू कैन एक्चुअली टेक दिस थिंग आउट. पैन करने के लिए ये है, दिस इज़ फॉर टिल्ट. तो दिस विल बी स्मूथ अगर आप मतलब बी रोल्स और सब यूज़ करना चाहते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली गुड. तो दिस इज़ वॉट इट इज़. अब हम बात करते हैं गिव अवे की, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए वो आएंगे सिर्फ गिव अवे के लिए. तो वी आर डूइंग 5 यूनिट्स जो आपने ऑलरेडी देख लिया है. तो वी आर डूइंग गिव अवे ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, क्योंकि मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बाय द वे अगर आप लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट सोशल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आई एम गोइंग टू लीव द लिंक ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो आप डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन इट ओनली व्हेन यू आर नॉट अ स्पैमर. आप सिर्फ लिंक शेयर करके चीज़ें नहीं करना चाहते. दिस इज फॉर द एक्चुअल लाइक अच्छा खासा डिस्कशन के लिए. तो दैट्स व्हाट्सएप ग्रुप. तो मैंने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे काफ़ी लोगों को पूछा था कि एक्चुअली में क्या चीज़ होनी चाहिए. एंड दिस इज़ व्हाट ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल द मेंबर्स, दे सजेस्टेड कि हम लोग करेंगे 2 यूनिट जो हैं इस ट्राईपॉड के, उनका गिव अवे यूट्यूब वीडियो में. तो इसमें वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा. 2 होगा इंस्टाग्राम पे और 1 होगा ट्विटर पे. तो वो चीज़ करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा, अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं YouTube पे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको इस ट्राईपॉड की ज़रूरत क्यों है. दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. एक जन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एक जन सिर्फ एक ही कमेंट करे, क्योंकि जब मैं कमेंट पिकर से को टूल करके जब यूज़ करूँगा तो मैं डेफिनेटली उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर डुप्लीकेट एंट्रीज हैं या फिर अगर मान लीजिए मल्टीपल एंट्रीज हैं तो वो जो इंसान होंगे उनकी जो एंट्री होगी वो वैलिड नहीं होगी. तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप सिर्फ एक कमेंट करिए, कैसा भी कमेंट हो, मतलब जो मैंने आपको पूछा है वो कमेंट, एक ही कमेंट होना चाहिए. एंड दैट इज़ वॉट आई विल बी कंसिडरिंग एज अ वैलिड वन. अगर आप चाहें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी 2020 के लिए कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ आपके लिए करता हूँ और काफ़ी सारी नई चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहा हूँ. तो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. वो एक कंडीशन नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग वेरी ऑनेस्टली. पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे दैट विल बी लाइक रियली रियली अमेजिंग. इंस्टाग्राम पे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए आपको मेरे लेटेस्ट लास्ट पोस्ट में जाना है, जो मैंने इसी ट्राईपॉड के साथ में फोटो खींच के एक अपना फोटो डाला हुआ है. तो आपको वहाँ पे जाना है, आपको उस पोस्ट में जाके कमेंट करना है. उस पोस्ट का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. पर अगर आपको गलती से नहीं मिलता है तो आप मेरे अकाउंट पर जाइए, जाने के बाद में जो गिव अवे वाला पोस्ट है उसको जाके आप जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. अगेन इट विल बी द सेम थिंग कि आपको वो ट्राईपॉड क्यों जीतना है, आपको कमेंट वहाँ पे वो करना होगा. अगर आप ट्विटर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको उसी चीज़ का जो ट्विटर वाला जो ट्वीट है गिव अवे वाला, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पिन हुआ हुआ मेरे अकाउंट पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपको वहाँ पे जाके सिर्फ अगेन रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर ये जीतना है तो क्यों जीतना है. एंड साथ ही में यू विल हैव टू रीट्वीट द ट्वीट. यही चीज़ इंस्टाग्राम पे भी एप्लीकेबल होगी. यू विल हैव टू शेयर दैट पर्टिकुलर पोस्ट इन द इंस्टा स्टोरीज. तो मैं ट्रैक रखने वाला हूँ किस किस ने कमेंट किया और साथ में स्टोरी पे भी शेयर किया. अगर दोनों चीज़ें नहीं करी आपकी तो वो इनवैलिड होगा. तो दैट ऑल्सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ. अब अगर आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें या ट्विटर पे फॉलो करना चाहें, दैट इज़ ऑप्शनल. करेंगे तो दैट विल बी रियली रियली ग्रेट, नहीं करेंगे तो भी टोटली कूल. अब ये जो रिजल्ट है ये कब अनाउंस होगा, दिस विल बी ओपन ओनली टिल 5th of January. मैं या तो 5th रात को या फिर 6th को वीडियो में अनाउंस करने वाला हूँ ये जो विनर्स होंगे सारे. और ये जो विनर होंगे ये हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक प्लेटफॉर्म पे विनर अनाउंस होंगे. मतलब यूट्यूब का मैं जो कम्युनिटी टैब है हमारा, वहाँ पे मैं विनर अनाउंस करने वाला हूँ. कोशिश करूँगा एक वीडियो में भी मेंशन कर दूँ. ऐसे ही इंस्टाग्राम पे जो विनर होंगे उनकी जो अनाउंसमेंट होगा वो होगा इंस्टा स्टोरी पे. तो इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू फॉलो मी अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो. और ट्विटर पे भी मैं आपको ट्वीट में ही बताने वाला हूँ कि कौन होगा विनर, कौन हुआ विनर. तो ऑन 5th या फिर 6th को विनर्स विल बी अनाउंस. और ये सिर्फ इंडियंस के लिए ओपन है, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू सेंड दीज आउटसाइड इंडिया. सो आई एम रियली रियली सॉरी.
उसके अलावा और कुछ कंडीशन कुछ और नहीं है. सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर 2019 विच वॉज नॉट अ ग्रेट ईयर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वीडियोज इस चैनल पर जो आए हैं, क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैंने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती है इस चैनल के लिए. बट आई एम फाइनली बैक एंड आई विल बी डूइंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ रेगुलर वीडियोज दिस ईयर, दैट्स अ प्रॉमिस. And I will try my best कि मैं इस चीज़ को ब्रेक ना करूँ. तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. All the very best to you guys. Please participate and please celebrate 2020 का जो मतलब जो welcome है वो बहुत ही sensibly करिए and make sure you are making that as one of the best year of your life. All the very best to you. Thank you so much. We'll see you in 2020. Take care.